नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब करके पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीडियो शुरू करने से पहले हमारी ऑनलाइन क्लास गूगल मीट पर सुबह 8 से 10 बजे के बीच में रनिंग में है। अगर आप उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे संबंधित जो भी डिटेल्स होगी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। मैं आपको इसके साथ ही बताना चाहूंगा यूजीसी नेट का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उससे संबंधित चाहे वो मटेरियल हो या किसी प्रकार की उससे संबंधित कोई क्वेरीज हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, आपको उससे डिटेल आपको रिलेटेड प्रदान कर दी जाएगी। हमारी जो मॉर्निंग की गूगल मीट पे क्लास होती है उस क्लास में ऑलरेडी अभी यूनिट 4 चल रहा है। यूनिट 4 में हम लोगों ने राजनीतिक प्रक्रिया सॉरी यूनिट 5 उसमें हम लोगों ने राजनीतिक प्रक्रियाओं के संबंध में हम लोगों ने पढ़ा है और उससे संबंधित मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। आइए हम लोग उसके संबंध में देखते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो ऑनलाइन क्लास होती है उस ऑनलाइन क्लास में हम गूगल मीट पे जो टॉपिक चलता रहता है उससे संबंधित मैं आपको क्वेश्चंस लेके आता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और बहुत सारी इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, अगर आप उन्हें नहीं देखा है अब तक तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है इसका, इस वीडियो पर निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन घटक राजनीतिक प्रक्रिया में पाया जाता है? आपको बताना चाहूंगा कि ये राजनीतिक प्रक्रिया राजनीतिक समाजशास्त्र, जैसा कि आपको पता है हमारा टॉपिक है राजनीति एवं समाजशास्त्र, समाज राजनीति एवं समाज के संबंध में हम राजनीतिक प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। राजनीतिक प्रक्रियाओं कैसे, राजनीतिक दलों के बारे में, राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव लड़ना, मतदान करना, मतों के परिणाम आना, ठीक है, पार्टियों का गठन होना, ये सब सारे संबंध में हम लोग उनके द्वारा नियम कानून लागू करना, नियम बनाना, ये सब सारी चीजें क्या होती हैं, राजनीतिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। तो ये सब इसके अब क्वेश्चंस क्या है, निम्न में से कौन सा अध्ययन घटक राजनीतिक प्रक्रियाओं में शामिल है? राजनीतिक पर्यावरण, पॉलिटिकल एनवायरमेंट एंड राजनीतिक संरचना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड लोगों की सहभागिता, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स, सभी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर होगा आपका डी, सभी होगा। यानी इसमें जो अध्ययन किया था राजनीतिक प्रक्रिया में वो राजनीतिक संरचनाओं का, राजनीतिक संरचना में यानी शासन करने वाला और शासित वर्ग दोनों के संबंध में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। शासक द्वारा कितने किस प्रकार के नियंत्रण लगाए जाते हैं अपनी जो ये कहेंगे कि शासक जो जो शासित वर्ग होगा उस पर किस प्रकार के करों का प्रावधान होगा, उस पर किस प्रकार के उनके द्वारा किस प्रकार की नीतियां और कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे, ये सब सारी चीजें हम राजनीतिक संरचना के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपके आंसर क्या बन जाएगा इसका, पहले दूसरा तीसरा और तीसरा तीनों क्या सही होंगे, सही होंगे, सभी इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका अध्ययन, ध्यान दीजिएगा, किसका अध्ययन राजनीतिक समाजशास्त्र में किया जाता है? राष्ट्र, नेशन, राज्य, स्टेट, राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट और डी सभी। देखिए आपको एक चीज बता देना चाहूंगा कि मैं इसमें डी तो पहले आपको आंसर बता दे रहा हूं लेकिन अभी मेरा काम खत्म नहीं होता है, आपको पहली बार तो राजनीतिक समाजशास्त्र बताना है, जानना जरूरी है, इसके साथ ही राष्ट्र राज्य और राष्ट्र राज्य क्या है इसको भी हमको जानना है। राजनीतिक समाजशास्त्र, समाजशास्त्र के अंतर्गत राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना राजनीतिक समाजशास्त्र कहा जाता है। यानी राजनीतिक प्रक्रियाओं का समाज से कि राजनीति का और राजनीतिक प्रक्रियाओं का और सामाजिक संबंधों या समाज के बीच में होने वाले अंतर पारस्परिक संबंधों या कार्यों का अध्ययन राजनीतिक समाजशास्त्र है। राजनीतिक समाजशास्त्र के अंतर्गत इसके अलावा राजनीतिक प्रक्रियाओं का भी हम अध्ययन करते हैं, ओके। तो इसमें ये सब सारे घटक आते हैं इसके अंतर्गत, जैसे राष्ट्र हो गया, राज्य हो गया और राष्ट्र राज्य। यहाँ पे राष्ट्र राष्ट्र यहाँ पर एक प्रकार के कहेंगे एक प्रकार के लोगों की पार्टिसिपेशन है, मतलब यहाँ पर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स,
इज अ इंटर रिलेटेड, यानी यहां पे ये बताया जाएगा इंटर रिलेशनल, इंटर रिलेशनल यानी यहां पर जो लोग हैं, लोगों का एकजुट होना और एकजुट होकर एक स्थित एक क्षेत्र विशेष में रहना, लोगों का क्या कहलाता है, ये राष्ट्र है यहां पर, ठीक है। यही से राष्ट्र से ही बना हुआ है राष्ट्रवाद, इसको भी मैं यही समझा देता हूं, राष्ट्र से बना है राष्ट्रवाद। अब जिस क्षेत्र विशेष में लोग रह रहे हैं, उस क्षेत्र विशेष में लोग एकजुट रह रहे हैं, तो एकजुटता की उनकी कुछ अंदर भावना होगी जिसके आधार पर वो एकजुट होते हैं। यानी यहां पर लोगों के जो जो एक कहेंगे अंतर्मन का जो संबंध है, अंतर्मन यानी पारस्परिक सहभागिता के आधार पर, भाईचारे बंधुत्व की भावना के आधार पर, जो परस्पर रूप से एक क्षेत्र विशेष में लोग रहते हैं, वो उसकी क्या कहलाती है, वो राष्ट्रवाद उनका होता है। राष्ट्रवाद एक प्रकार की मानसिक भावना है, राष्ट्रवाद एक प्रकार के भाईचारे की भावना है, जो एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग यानी राष्ट्र के रहने वाले लोगों के बीच में पाया जाता है। ओके, तो राष्ट्र लोगों का समूह, एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों का समूह, और उस निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के समूह के बीच में जो एक भावना, भाईचारे की भावना पाई जाती है, राष्ट्र प्रेम की भावना पाई जाती है, वो क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद। आयु समझ आ गया होगा। यहाँ पर राज्य क्या है, सरकार, यहाँ पर राज्य का क्या है, स्टेट होता है। स्टेट यहाँ पर आप जिस प्रकार यूपी एमपी इस तरीके से जो स्टेट आते हैं, इससे आप बिल्कुल भी इसका संबंध मत रखिएगा, संबंध मत करिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राज्य का आशय यहाँ पे सरकार, गवर्नमेंट से है। राज्य का आशय यहाँ पर राज्य का सरकार ही नहीं, सरकार के अलावा भी विभिन्न प्रकार के शासन, विभिन्न प्रकार के लोग, वे लोग जो शासन प्रक्रिया, शासन प्रशासन की प्रक्रिया में शामिल लोग होते हैं, उनसे संबंध है राज्य का। राज्य में केवल और केवल सरकार नहीं आता है, सरकार के अलावा भी जो जो शासन प्रशासन प्रक्रिया में सहयोग देने वाले लोग होते हैं, उन्हें राज्य कहा जाता है, एक संगठित रूप में लोगों का समूह, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा राज्य और सरकार के बीच में भी डिफरेंस थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। मैं समय ले रहा हूँ, यस आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन सब समझा रहे हैं कि ये लेक्चर दे रहे हैं, तो मुझे मुझे लेक्चर ही देनी है, ठीक है। क्वेश्चंस के अलावा लेक्चर देनी है, क्वेश्चंस वैसे बहुत सारे वीडियोस पढ़े, बहुत जगह पे क्वेश्चंस आपको दीजिए दिख जाएंगे, आप वहाँ समझ सकोगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस भी प्रयास करूँगा, क्वेश्चन के साथ साथ इतने लेक्चर्स मैं दे सकूँ। यहाँ पर जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि राज्य, राज्य और सरकार में डिफरेंस क्या है, राज्य सरकार में डिफरेंस ये होता है कि राज्य नियमों को बनाता है, राज्य नियमों को बनाता है, और वे नियमों को जो बनाए रहता है, उन नियमों को जब लोगों पर लागू करने का काम, यानी राज्य के कार्यों को क्रियान्वित करने का जो काम करता है, वो राज्य है। यानी एक प्रकार का राज्य क्या होगा, सरकार होगा, एक प्रकार का राज्य क्या होगा, साध्य होगा, और राज्य का साध्य, राज्य का साधन के रूप में सरकार काम करता है। समझ में आ गया, आइए आगे चलते हैं। तीसरी है, तीसरा तत्व है राष्ट्र, तीसरी अवधारणा है राष्ट्र और राज्य। आपको बताना चाहूंगा राष्ट्र और राज्य, राज्य की ही एक नई अवधारणा है, यानी आज समकालीन परिदृश्य में राज्य और राष्ट्र ना होकर उसका एक नया स्वरूप उत्पन्न हुआ है, राष्ट्र राज्य। राष्ट्र राज्य की एक प्रकार की, एक प्रकार के लोग हैं, राज्य एक प्रकार का राष्ट्र राज्य ही है, ठीक है। जिस प्रकार राष्ट्र राज्य की विशेषता होती है, दोनों का मिश्रित स्वरूप है राष्ट्र और राज्य, ठीक है। यानी आज का जो स्वरूप है उसमें राष्ट्र और राज्य दोनों के तत्व एक ही स्वरूप मिलकर, एक स्वरूप, दोनों तत्व मिलकर दो अलग अलग नहीं बल्कि एक स्वरूप निर्माण करते हैं उसका, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों समझ, ये आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इसका। मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो डी आंसर इसका, समाजशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र के बीच घनिष्ठता का सूचक है, ध्यान दीजिएगा। यानी समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र का अगर हम संबंधात्मक अध्ययन करेंगे तो उसे एक शब्द, एक वर्ड में क्या बोलेंगे, तो आइए देखते हैं। सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, राजनीतिक समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, सभी। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, डी तो होगा नहीं बिल्कुल, क्योंकि राजनीति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान गलत है,
तो समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, राजनीति समाजशास्त्र। बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में प्रक्रिया का प्रोत्साहन बिंदु कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का प्रोत्साहन बिंदु क्या है। राष्ट्र निर्माण क्या होता है? नेशन बिल्डिंग्स, नेशनल फॉर्मेशन या नेशन बिल्डिंग्स। नेशन यहाँ पर राष्ट्र निर्माण का, यहाँ पे मैंने आपको पीछे से बताया था कि यहाँ पर जो लोगों का समूह एक क्षेत्र विशेष में निवास करता है, उस क्षेत्र विशेष में रह निवास करने के लिए वो उनमें मानसिक आधार पर भी राष्ट्रवाद की भावना होती है, उसी से क्या होता है राष्ट्र निर्माण का, राष्ट्र का ये राष्ट्र का निर्माण होता है। यानी जिन स्वरूपों के आधार पर राष्ट्र का निर्माण होता है उसे कहते हैं राष्ट्र निर्माण। यहाँ पर राष्ट्र निर्माण किस प्रकार से होता है, तो धार्मिक आंदोलन, पश्चिमी शिक्षा एवं जनसंचार, सभी। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, प्रोत्साहन बिंदु कौन सा है? राष्ट्रीय भावनाओं का विकास। धार्मिक आंदोलन, विभिन्न प्रकार के धार्मिक आंदोलन, एक चीज में बताना चाहूंगा कि यहाँ पर धार्मिक आंदोलन किसी प्रकार का भी हो सकता है। और इसके साथ ही आप अगर कहिए तो इसमें आंसर के संबंध में कुछ मुझे देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का प्रोत्साहन बिंदु क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका क्या कहते हैं ये राष्ट्रीय भावनाओं का विकास होगा। राष्ट्रीय भावनाओं का विकास राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का प्रोत्साहन बिंदु है। नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पर प्रोत्साहित कर रहा है, राष्ट्रीय भावना प्रोत्साहित नहीं कर रही। राष्ट्रीय भावना निर्मित, राष्ट्रीय भावना का विकास होगा तब राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया संभव हो पाएगी, लेकिन राष्ट्र प्रक्रिया प्रोत्साहन यानी प्रोत्साहित करने वाला राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, धार्मिक आंदोलन होगा। ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देने वाली बात है, आप इसको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोत्साहन करने वाला जो है पॉइंट वो कौन सा है, तो राष्ट्रीय भावना का विकास, तो विकास तो होता है लेकिन ये प्रोत्साहन बिंदु नहीं होगा, ठीक है। प्रोत्साहन बिंदु धार्मिक आंदोलन, किसी प्रकार का धार्मिक आंदोलन राष्ट्र के प्रति क्या होंगे, लोग एकजुट होने के लिए क्या करेंगे, प्रोत्साहित होंगे, उत्साहित होंगे, ठीक। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, वर्तमान में जो राष्ट्रवाद है भारत में विकसित हुआ उसका परिणाम क्या रहा, अंग्रेजी शिक्षा, राष्ट्रवादी भावना, प्राचीन इतिहास, पाश्चात्य इतिहास, और इसके साथ ही साथ अगर आप देखिए कि चार ऑप्शन थे, वर्तमान में राष्ट्रवाद भारत में विकसित हुआ तो इसका परिणाम क्या रहा, राष्ट्रवादी भावना, यानी राष्ट्रवादी भावना परिणाम रहा इसका कि लोगों में राष्ट्र के प्रति एक भावना विकसित हुई और क्या हुए उससे राष्ट्र, उससे राष्ट्रवाद विकसित हुआ, ठीक है, ये चीजें। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सिक्स क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक परिवर्तन लाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, भारत में, भारत में सामाजिक परिवर्तन लाने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर एक, आधुनिक शिक्षा, पंथ निरपेक्षता, आधुनिक शिक्षा, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, और सी ऑप्शन है पंथ निरपेक्षता, वैज्ञानिकता, सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता। नहीं, आप देखिए भारत में सामाजिक परिवर्तन लाने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, तो आधुनिक शिक्षा, पंथ निरपेक्षता, वैज्ञानिकता, सार्वभौमिकता। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, यानी जब लोग जागरूक होंगे किसी चीज के लिए, जब लोग जागरूक होंगे तो जागरूकता के लिए क्या होनी चाहिए, जब तक आधुनिक शिक्षा, जब तक लोगों में शिक्षा का प्रसार नहीं होगा लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे।
ठीक है। तो जब तक लगी आधुनिक शिक्षा होना जरूरी है, पंथ निरपेक्षता वैज्ञानिकता ये सब सारे तो एक कहेंगे कि समाज को सुदृढ़ करने में सहयोग प्रदान करते हैं, ठीक है, या समाज में समानता लाने के लिए ये सब सारे प्रयास करते हैं, और वैज्ञानिकता ये सब भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 7, क्वेश्चन नंबर है भारत में राष्ट्रवाद का उदय किसके शासनकाल में हुआ। ये मैक्सिमम हमें लगता है सबको आंसर पता होगा, भारत में राष्ट्रवाद का विकास विकास किसके शासनकाल में हुआ, किसके शासनकाल में हुआ। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इसमें मुस्लिम शासन में, मुस्लिम शासन में। बी ऑप्शन है अंग्रेजी शासन में। डी ऑप्शन है स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद। राष्ट्रवाद जैसा कि मैंने आपको बताया था एक प्रकार की भाईचारे की भावना है, विश्व बंधुत्व की भावना है राष्ट्रवाद, ठीक है, एक प्रकार का भावना है। तो ये भावना मुस्लिम शासन में, अंग्रेजी शासन में, स्वतंत्रता के बाद। देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, डी होगा, कोई नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी शासन में, यानी अंग्रेजों द्वारा लोगों को प्रताड़ित किए जाने के बाद लोगों में एकजुटता उत्पन्न हुई, राष्ट्रवाद की भावना, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना जागृत हुई, और लोगों ने उसका फिर इस सरकार का, इस शासन में अंग्रेज शासकों का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक घटक है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण में, राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक घटक है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता। बी ऑप्शन है भौगोलिक एकता। सी ऑप्शन है राजनीतिक विविधता में एकता। विविधता में एकता एंड डी है सभी। देखिए राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक यानी राष्ट्र के लोगों को एकबद्ध करने की प्रक्रिया राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसमें कौन कौन से, सांस्कृतिक एकता या संस्कृति के आधार पर लोगों में एकता एकजुट होना, क्षेत्र विशेष के आधार पर लोगों में एकजुट होना, और राजनीतिक विविधता में भी एकता हो, यानी राजनीतिक आधार पर जो विविधता है, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक समूह है उनका भी एकजुट होना, ये सब सारी क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण को प्रमोट करेंगे। इसका आंसर डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये देखिए मैंने मार्क यहां लगा दी, ये सब नहीं है, बस इसमें डी आंसर इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम देखते हैं, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा होगा ये है, और लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से राष्ट्रीय एकीकरण में प्रमुख बाधा, पहला ऑप्शन है क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, कम्युनलिज्म। डी ऑप्शन है भाषावाद, सभी। देखिए राष्ट्रीय एकीकरण में मैंने आपको राष्ट्रीय एकीकरण समझाई थी, इसमें बाधा पूछ रहा है, तो क्षेत्रवाद यानी क्षेत्र विशेष के प्रति लगाव होना, यानी किसी अन्य क्षेत्र विशेष की तुलना में अपने क्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ मानना, तो ये भी कहीं ना कहीं दिखाएगा क्योंकि समानता होनी चाहिए लोगों में। संप्रदायवाद, किसी समुदायवाद का मुख्यतः आशय होता है धर्म विशेष से, तो जैसे एग्जांपल धर्म विशेष अपने धर्म को उच्च मानना कंपेयर टू अदर, ठीक है, संप्रदायवाद।
भाषावाद, अपने भाषा को उत्कृष्ट मानना और कहेंगे कि अन्य भाषाओं को एक निम्न कैटेगरी में रखना, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ये सब सारे क्या है, ये सब बैरियर्स हैं जो नेशन जो एक कहेंगे यूनिटी है उसके संबंध में, ठीक है। मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो नए हैं वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको वन टू वन नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।